चोर ने इस तरह से आप देखिएगा, जरा आइएगा बोलेंगे यहाँ पर दिखलाइएगा ये दृश्य। यहाँ से सेन मारा गया, जो दीवार है, जो दीवार जो पुरानी पद्धति से जो सुर्खी चुना कहते हैं, जो मिट्टी का, की बताया जा रहा है सीसीटीवी फोटोज में जो चोर का जो तस्वीरें है वो लूटते हुए का तस्वीर। यहाँ से कॉल गया कि आपका पीस टूटा हुआ तो आए, पापा बताए तो आए दुकान में। आगे से जब दुकान का ताला खोले तो अंदर से देखे कि पूरा तिजोरी टूटा हुआ। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाजितपुर पंचायत, जो विद्यापति प्रखंड के अंतर्गत समस्तीपुर जिला में पड़ता है, और यहाँ तमाम लोगों का जमावड़ा है। क्यों लगा हुआ जमावड़ा हम बताएंगे आपको। ये देख रहे हैं यहाँ पर मैं जो चंदा मामा ज्वेलर्स की दुकान है, जो बाजितपुर बाजार में पड़ता है, बाजितपुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 में पड़ता है। और यहाँ पर मैं जो घटना हुई है रात्रि में तकरीबन 1 बजे बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, और जो दुकान के जो प्रोप्राइटर उनके द्वारा, उमेश जी के द्वारा बताया जा रहा है, सीसीटीवी फोटोज भी लगा हुआ, वो तमाम दृश्य दिखाएंगे। ज्वेलरी के दुकान में जो डाका पड़ा है, चोरी पड़ा है, और चोर ने इस तरह से आप देखिएगा, जरा आइएगा बोलेंगे यहाँ पर दिखलाइएगा ये दृश्य। यहाँ से सेन मारा गया, जो दीवार है, जो दीवार जो पुरानी पद्धति से जो सुर्खी चुना कहते हैं, जो मिट्टी का दीवार था वो था, तो कहीं ना कहीं चोरों ने इसका फायदा उठाया है और वहां से जो पीछे से घुसकर आया और तमाम चीजों को लूट कर यहां से जो ज्वेलरी का दुकान था उसे लूट कर ले गया। यहां दिखाएंगे दृश्य, जरा आइएगा इधर दिखलाइएगा दृश्य। ये पीछे से जो तोड़ा गया है ये यहाँ से दिखलाएंगे, जरा आइएगा। ये पीछे से इस तरफ से जो बाजितपुर का वार्ड संख्या 10 का हम दृश्य आपको साफ तस्वीरें दिखवा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से देखिएगा, ये कोमल पूजा मिल है और इसी रास्ते से शायद चोरों ने आया होगा। जो नई वाली जो पुल है बाजितपुर में, उसका दृश्य हम आपको दिखला रहे हैं, जरा आइएगा दिखलाइएगा। बहुत ही एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखला रहे हैं यहाँ पर। आप देखिएगा ये रास्ता जो नई वाली पुल है उस तरफ के रास्ता, जो दुल्हन सारी शोरूम इधर से है, और इधर से आप देखिए जो पुरानी वाली पुल चौक है वो दृश्य है यहाँ पर में। और शायद चोर जो है इधर से ही आया होगा, ये दृश्य दिखाइएगा, जरा आइएगा, कैमरा मैन को बोलेंगे बढ़िएगा। और यहाँ देखिए एक फूल का पेड़ भी है, और शायद इसी का सहारा लेकर चोरों ने घटना को बड़ी बारीकी से अंजाम दिया होगा। आप देखिएगा जरा यहाँ पर मैं देख लीजिए, यहाँ से ईंट निकाला गया है और ईंट निकाल कर अंदर प्रवेश किया गया। हालांकि बताया जा रहा है सीसीटीवी फोटोज में जो चोर का जो तस्वीरें हैं वो लूटते हुए का तस्वीर आ गया है, तो बचना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो अरविंद कुमार सब इंस्पेक्टर हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए जो विद्यापति थाना प्रभारी ने अरविंद कुमार को घटना पर त्वरित कार्रवाई के लिए भेजा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो तमाम दृश्य हम आपको दिखलाएंगे। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। और ये साफ तस्वीरें आप देख पा रहे हो किस तरह से चोर ने दुकान के अंदर जो सेंध फोड़ कर, जो दीवाल है दीवाल को तोड़ कर अंदर प्रवेश करता है, और किस तरह से घटना को अंजाम देता है, किस तरह से लॉकर को तोड़ता है, बारीकी से लॉकर को तोड़ता है। कुल 21 से 22 मिनट के दरमियान में, रात्रि में, अर्धरात्रि में 1:00 में वो प्रवेश करता है दुकान में, और 1:24 तक घटना को अंजाम देकर और सफाई करके, अपने हाथों की कला की सफाई दिखाते हुए किस तरह से चोर बारीकी से लॉकर को तोड़ा और गहना लूट कर ले गया, वो साफ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम पे, साफ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। चोर का चेहरा भी हम दिखलाएंगे आपको फ्रेश से, जिस तरह से चोरों ने गहना ले जाने से पहले किस तरह से कैमरे को रोटेट किया है, और उसमें उसका जो कैप्चर है DVR में वो उसका तस्वीरें, साफ तस्वीरें कैप्चर होकर आया है, वो तमाम दृश्य जिन लोगों को लगे ये चोर, कहीं किसी को लगे संदिग्ध अवस्था में से देखा गया है इस चोर को, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताएं, विद्यापति प्रशासन को निश्चित रूप से इसकी सूचना दें और मदद करें। इस तरह की जो चोर जो बहुत बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन भी लगातार त्वरित कार्रवाई में जुड़ी हुई है, और माननीय जो हमारे समस्तीपुर जिला के कप्तान है विनय कुमार तिवारी, लगता है निश्चित रूप से त्वरित कार्रवाई करेंगे और इस चोर को बहुत ही जल्द दबचा जाएगा। निश्चित रूप से जो तस्वीरें हैं, जो साफ तस्वीरें जो दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से ये चोर बक्सा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से ये चोर को बहुत ही जल्द ये सलाखों के नीचे होगा, सलाखों के अंदर होगा। साफ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, वो दृश्य हम आपको दिखलाएंगे। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट चेहरा, एकदम बिल्कुल इससे भी स्पष्ट जो चेहरा है, जिस समय वो कैमरा को रोटेट करता है वो दृश्य हम आपको दिखलाएंगे। गहना ले जाने से पहले जो कैमरा को रोटेट किया गया और इस चोर को भनक लगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर में ये हो जाती है, जो DVR था वो इस मकान के बगल वाले मकान में शिफ्ट था, जिसको लेकर चोर नाकामयाब रहा अपने चेहरा बचाने में,
और जो है चोरों का जो खुलासा है वो हो गया। वो दृश्य भी आपको हम दिखलाएंगे, बने रहे हमारे साथ। साफ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से चोर लॉकर को तोड़ते हुए का एक दृश्य साफ आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और ये चंदा ज्वेलर्स जो बाजीपुर में है, उमेश जी इनका प्रोप्राइटर है, वो साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाजीपुर पंचायत वार्ड संख्या 10 का तस्वीरें है, माननीय मुखिया मुकेश जी के घर के आवास के बगल का ही एक दृश्य आप देख पा रहे होंगे, जो चंदा ज्वेलर्स है, जो बाजीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 जो विद्यापति प्रखंड समस्तीपुर जिला बिहार से साफ तस्वीरें आप साफ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा वीडियो फोटो का जो कैमरा वन का तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जो अन्य कैमराज का फोटो है वो भी हम आपको दिखलाएंगे। बने रहे हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ये चोर जल्द से जल्द सलाखों के अंदर। और ये देख लीजिए साफ तस्वीरें, जो कैमरा रोटेट किया जा रहा था चोर के द्वारा, वो ये देख लीजिए। निश्चित रूप से आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट करके इस वीडियो को भी वायरल कर सकते हैं। आप साफ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, किस तरह से चोर ने घटना को अंजाम दिया और कैमरा को रोटेट कर किया जा रहा है, वो साफ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धांग पर। निश्चित रूप से ये चोर निश्चित रूप से पुलिस के अंदर, पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा, सलाखों के ये कुछ ही दिन के अंदर रहेगा। और देखना ये है जो पुलिस प्रशासन कब तक इस चोर को दबोच लेती है। वो साफ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चोरों का चेहरा जो स्पष्टकरण दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टिगेशन के लिए तमाम जो विद्यार्थी थाना प्रभारी महोदय है, उन्होंने एसआई अरविंद कुमार को, सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार जी को, जो घटनास्थल है घटनास्थल पर भेजकर जो तमाम चीजें के बारे में जानकारी लेने के लिए यहां पर मैं अरविंद कुमार सब इंस्पेक्टर पहुंच चुके हैं विद्यार्थी थाना से। साफ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम पे साफ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। माननीय मुखिया जी भी यहाँ पर मौजूद आप देख पा रहे होंगे, मुकेश कुमार मुखिया, बाजीपुर पंचायत के मुखिया जी, सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को बताते हुए का एक दृश्य, जो घटना है, जो घटना के बारे में जो दृश्य है वो दृश्य दिखाते हुए का एक साफ तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। क्या घटना घटित हुई है आपके? सुबह जो है हमको मैसेज मिला, घर पर सोए हुए थे, सुबह मैसेज मिला है कि दुकान के पीछे ईटा टूटा हुआ है। अच्छा, तो आए आगे से जब दुकान का ताला खोले तो अंदर से देखे कि पूरा तिजोरी टूटा हुआ है। क्या सब उसमें से चोरी हुआ? चोरी 5 लाख के करीब सामान था, जिसमें 25 ग्राम करीब जो है कि नाक वाला कील था, उस दुकान का जो है कि ग्राहक रक्षा का सामान था और चांदी का सामान था। इससे पहले भी कोई घटना हुई थी आपके? हाँ, इससे पहले भी मेरा एक दुकान है विद्यापति मरकलीपुर में, वहाँ भी जो है कि 10 जनवरी की रात में जो कि हुई थी चोरी, उस जो है उसका FIR जो थाने में है, उस पर कोई कार्रवाई किया गया? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहाँ भी इसी तरीके से सेंटफोरी करके चोरी की? हाँ, यहाँ वहाँ भी जो है कि इसी तरह का जो चोरी हुआ था, इसी तरह का जो है कि चोरी तोड़ा गया। सुबह में आपको किसने जानकारी दिया कि जो पीछे का दीवार टूटा हुआ है? मेरा पड़ोसी बगल का दुकानदार है, वही जो दिया। कैमरा लगा हुआ है दुकान? हाँ, दुकान में कैमरा लगा हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग है अभी। तो उसका फुटेज है उसमें? हाँ, उसका फुटेज है। पहचानते हैं आप उसको फुटेज के? नहीं पहचानते हैं। क्या कहेंगे आप प्रशासन के लिए? प्रशासन से यही कहेंगे कि आप हमारा जो है कि अथी करें, क्योंकि बार बार मेरे यहाँ हो रहा है, तो ये 4 महीना में 2 बार मेरे यहाँ हो चुका है। लगभग कितने की टोटल चोरी हो गई होगी? 5 लाख रुपये का होगा आसपास। 5 लाख रुपये का? क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश कुमार था। अगल बगल के लोगों से पता करने की कोशिश की है? अगल बगल के लोगों का सब सोए हुए थे रात में, अभी आए हैं सब आदमी, निकले हैं बाहर। दुकान पे आप ही बैठते हैं कि और कोई बैठते हैं? नहीं, यहाँ मेरा बच्चा लोग बैठता है। लड़का बैठता है? हाँ, मेरा लड़का बैठता है। क्या नाम है उनका? राहुल कुमार और नीतीश कुमार। राहुल, आप ही बैठते हैं दुकान पे? कभी ऐसा लगा कि जो दुकानदारी के समय में कुछ संदिग्ध व्यक्ति आया हो आपके दुकान? दुकान है तो आते रहता है, मैं सामान बेचने का। ऐसा कोई जो जिस पे आपको लगे कि जहाँ ये उस तरीके का व्यक्ति है जो घटना को अंजाम देता है? आप लोगों को कैसे पता चला घटना के बारे में? हमको यहाँ से कॉल गया कि आपका पीछे टूटा हुआ, तो आए पापा बताए तो आए दुकान में। तो आप खोले फिर देखे इसको? हाँ। क्या पता चला कि दुकान खोलने के बाद? दुकान खोलने क्या पता चला? तो टूटा हुआ सारा सामान गायब। टोटल सामान ही गायब था? हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने? देख ही रहा।
फुटेज वगैरह में जो उसका आ रहा है उससे पहचान आ रहा है क्या? नहीं पहचान नहीं पहचान था।